महाराष्ट्र में महायुति की महाचुनौती। लोकसभा चुनाव 2024 में क्यों बड़ी भाजपा शिवसेना एनसीपी की उलझन। केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए जुटी भाजपा के लिए महाराष्ट्र सबसे मुश्किल चुनौती पेश कर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार की महायुति के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तीनों दलों असमंजस में दिख रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक महाराष्ट्र में भाजपा की नई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग सीट बंटवारे के बाद भी मुश्किलें बढ़ाने वाली है, क्योंकि भले ही राज्यों की पार्टियां भाजपा के लिए अक्सर अपने कदम बढ़ाती रही हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2014 में नरेंद्र मोदी के उदय के बाद नई और आक्रामक भाजपा राज्यों में अपने सहयोगियों के साथ दूसरे नंबर की भूमिका निभाने के मूड में नहीं थी। चौतरफा राजनीतिक अराजकता के साथ 48 सीटों वाला महाराष्ट्र इस लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा देखे जाने वाले राज्यों में से एक के रूप में उभर रहा है। पिछले दो चुनावों में राज्य में भाजपा और शिवसेना का पूरा दबदबा देखने को मिला। दोनों पार्टियों ने 2014 में मिलकर 48% वोट हासिल किए और 2019 में आधे से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया। महाराष्ट्र में 1995 में भगवा गठबंधन ने चखा सत्ता का शुरुआती स्वाद। भाजपा शिवसेना का यह वर्चस्व महाराष्ट्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के ढांचे को बदल सकता था, लेकिन लोकसभा चुनाव की जीत ने दोनों पार्टियों की राज्य स्तरीय महत्वाकांक्षाएं भी सतह पर ला दी। 1995 में राज्य में सत्ता का शुरुआती स्वाद चखने के बाद भाजपा और शिवसेना दोनों इस बात से दुखी थे कि 1999 के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में सत्ता उनके हाथ से निकल गई। लगातार दो बड़ी जीत से भाजपा शिवसेना के महत्वाकांक्षाओं में टकराव। लोकसभा चुनाव 2014 और फिर लोकसभा चुनाव 2019 में जब जीत का मौका आया तो दोनों पार्टियां चाहती थीं कि एक दूसरे की कीमत पर इस अवसर को भुनाए। दूसरी ओर दोनों संसदीय चुनावों में अपने प्रदर्शन में नाटकीय सुधार ने शिवसेना को भरोसा दिला दिया कि वह भाजपा को हावी होने देने के बजाय आगे बढ़कर महाराष्ट्र का नेतृत्व करने की हकदार है। लोकसभा चुनाव 2014 की जीत के बाद से भाजपा और शिवसेना असहज हैं। महाराष्ट्र और शिवसेना के 2019 के ब्रेकअप ने भले ही ज्यादा सुर्खियां बटोरी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2014 की जीत के बाद से दोनों पार्टियां कभी भी एक दूसरे के साथ सहज नहीं रहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2014 में दोनों अलग हो गए, हालांकि चुनाव के बाद उन्होंने फिर समझौता कर लिया। इस तरह 2014 में महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्य खिलाड़ी के रूप में भाजपा के अचानक उदय के साथ ही प्रतिस्पर्धी राजनीति के ढांचे में हलचल तेज हो गई। 2019 के बाद स्मार्ट राजनीति के चलते भाजपा शिवसेना में ब्रेकअप, यह प्रक्रिया 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद भी जारी रही। स्मार्ट राजनीति के चलते विभाजन हुआ। शिवसेना और एनसीपी ने देवेंद्र फडणवीस और भाजपा को वापसी करने की मदद की। इस तरह 2019 के बाद के सियासी घटनाक्रम और इससे भी अधिक शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन या महाविकास आघाड़ी सरकार के गिरने के बाद के वाक्याएं चल रही प्रतिक्रिया का ही एक हिस्सा थे। महाराष्ट्र में शासन कर रही महायुति के पीछे भाजपा ही असली ताकत। सवाल यह है कि इन राजनीतिक घटनाक्रमों ने राज्य में एकमात्र प्रमुख पार्टी बनने की भाजपा की कोशिश को कैसे प्रभावित किया है। 2022 देश की तथाकथित राजनीतिक साजिशों के बाद भी भाजपा को मुख्यमंत्री पद नहीं मिल सका, लेकिन इसके समर्थकों को इस तथ्य से संतुष्टि हो सकती कि भाजपा वर्तमान में महाराष्ट्र में शासन कर रही है। महायुति के पीछे असली ताकत थी और बनी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक डिप्टी सीएम असल में सुपर सीएम जैसा है। एनसीपी और शिवसेना में दोनों गुट कमजोर होने से भाजपा को फायदा। भाजपा के लिए दूसरा फायदा यह हुआ कि राज्य स्तर के दो मजबूत खिलाड़ियों में विभाजन के साथ अब उनके लिए जीतने के लिए राजनीतिक जगह अधिक आसानी से तैयार हो गई है। विभाजन के बाद एनसीपी और शिवसेना के दोनों गुट कमजोर हो गए हैं। मूल पार्टी के दूसरे गुट से आगे निकलने की प्रतिद्वंदिता में और अधिक उलझ गए हैं। अब दोनों ही भाजपा के लिए खतरा पैदा करने में असमर्थ हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा की ज्यादा मदद नहीं कर रही सियासी चतुराई। एक तरह से यह राज्य स्तर के खिलाड़ियों और आयोजित सभी राजनीतिक स्थानों पर कब्जा करने के भाजपा के सियासी मकसद के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है, और फिर भी यह तथाकथित राजनीतिक चतुराई मौजूदा लोकसभा चुनाव में भाजपा की ज्यादा मदद नहीं कर सकती। पहले से ही राज्य सरकार के भीतर भाजपा को सीमित हिस्सेदारी के साथ संतुष्ट करना पड़ता है।